तो गाइस किसी भी नॉर्मल वीडियो को आप इस तरीके की क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके फोन में एलाइट मोशन ऐप होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप क्रोम पर से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्रोम पर से डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर जो है मेरे कमेंट में जाकर बोलते हैं कि सर इस ऐप का वाटर मार्क कैसे हटाए। तो इस ऐप का वाटर मार्क नहीं हटता, आपको विदाउट वाटर मार्क वाला एलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करना होगा। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने फोन में एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेनी है, और एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी वीडियो के हिसाब से किसी भी साइज को सेलेक्ट करके नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करनी है तो इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपनी किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर ली है, तो ये वीडियो एकदम नॉर्मल है, इसी पर हम लोग इफेक्ट अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों इस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस वीडियो लेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और इस वक्त आपको सर्च बार में चले जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद आपको इस वक्त आपको ग्रेडियंट सर्च करना है। तो जस्ट आप GRAD सर्च करोगे तो आपको सेकंड में मिल जाएगा ग्रेडियंट ओवरले। तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको दो बॉक्स देखने को मिल रही होगी, तो कलर वन वाला बॉक्स है तो उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ से कलर टू पर चले जाना है, और इस येल्लो कलर को आपको ब्लैक कलर करना है, तो यहाँ से इस ब्लैक कलर पर क्लिक कर देना है, और इस वक्त आपको इसके एकदम नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर से ब्लेंडिंग मोड में जाके ये नॉर्मल होगा तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है, और उसके बाद आपको फिर से इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और सर्च बार में जाके आपको सेचुनेशन वाइब्रेंस सर्च करना है। दोस्तों सेचुनेशन सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा, तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको भी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है। अभी दोस्तों इस सेचुनेशन को भी आपको एडजस्ट करना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और ऊपर में जो सेचुनेशन है इसको आपको प्लस 15% के आसपास रख लेना है, 15। तो उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और फिर से इस साइड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और इस वक्त आपको सर्च बार में चले जाना है, और अभी आपको चैनल सर्च करना है, तो आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा चैनल रैम्प RGB, तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है। तो दोस्तों अभी आपको इस चैनल रैम्प RGB पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद अभी आपको यहाँ से इस सेकेंड वाले लाइन में से वाई को सेलेक्ट करना है, और वाई को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है, और अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, और इस शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ये शेप सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इस शेप को अच्छे तरीके से जूम कर लेंगे, और उसके बाद इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और इस वक्त आपको सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको कॉपी सर्च करना है, तो आपको फर्स्ट में मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और अभी आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और फिर से इस साइड इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च बार में चले जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद आपको गॉसियन ब्लर सर्च करना है, तो गॉसियन ब्लर को आपको सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है, और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और अभी आपको फिर से एड इफेक्ट पर जाकर सर्च बार में चले जाना है, और इस वक्त आपको एक्सपोजर गामा सर्च करना है, और उसके बाद इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसको भी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ से इस गॉसियन ब्लर पर क्लिक कर देना है, और इसको एडजस्ट कर लेना है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है उसको आपको अराउंड 400 के आसपास रख लेना है, और दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और अभी आपको दोस्तों इस एक्सपोजर गामा को आपको एडजस्ट करना है। तो दोस्तों इस एक्सपोजर गामा पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है, और ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको कम कर लेनी है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि आपको कितना रख लेना है, तो इसको -0.60% के आसपास रख लेंगे, और नीचे में जो गामा वाला ऑप्शन है तो इसको भी आपको एडजस्ट करना है, तो गामा को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसको आपको 0.900 के आसपास रख लेना है, और इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और थोड़ा सा नीचे करना है, तो यहाँ आपको एक डिफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और तीसरे नंबर पर सब्सक्रैक्ट वाला ऑप्शन है, तो इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। तो हमारी वीडियो में जो है थोड़ी सी इफेक्ट अप्लाई हो गई है, लेकिन अभी हमारी वीडियो में थोड़ा सा लाइट कम है, तो हम लोग लाइट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आपको सबसे पहले स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है, और उसके बाद आपको दोस्तों इस प्लस के बटन पर क्लिक करके एक शेप को सेलेक्ट कर लेना है। शेप सेलेक्ट होगा उसके बाद इस शेप को जूम कर लेंगे, अपने पूरे फुल स्क्रीन में अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको बैक चले जाना है, और थोड़ा सा नीचे कर देना है, तो लाइटिंग के नीचे आपको एक कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, और फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों अभी भी आपको वीडियो में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है, तो आपको इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इस डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अगर अभी दोस्तों आपके वीडियो में लाइट ज़्यादा लगेगी तो आपको फिर से सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्लिक कर देना है और इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना मर्जी है उतना अपने वीडियो में लाइट को घटा या बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से हमारी इफेक्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में कैसे अप्लाई करें। तो हमारी इफेक्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से अभी आपको सबसे पहले वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और यहाँ से आपको सभी लेयर को मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है, इससे आपकी इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई होगी। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है और नीचे में आपको देखने को मिलेगा एक एक्सपोर्ट वाला बटन, तो इस पर क्लिक करते आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। बाय द वे दोस्तों, वीडियो सेव हो जाने के बाद इस वीडियो का रिजल्ट देख कर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.